सर हम बात भी कर रहे होंगे अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम रहती है वॉइस या कुछ? कैन यू टेल मी आल्सो यू कैन कमेंट मेनी और वाचिंग वीडियो? अब जब वीडियो बात कर रहे होते तो बेटा वहाँ पे आप एक कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए तो सारा होमवर्क करते रहना है अच्छे से, वीडियो पूरा कंप्लीट देखते रहना, क्योंकि बेटा होमवर्क मैं कहीं भी बोल सकता हूँ कि बेटा इसकी ये पार्ट है वो आप कर लेंगे, ठीक है? ये सब काम करते रहना है हमको। ओके लेट अस स्टार्ट एंड टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1, दिस इज पार्ट 1। अभी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 6 ऑफ 1। तो क्या इसकी बनती कुछ पार्ट भी है वाले भी सॉल्व, सो ये पार्ट करने जा रहे हैं, बाकी जितने भी पार्ट हैं यू विल बी सॉल्व एट होम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, यू कैन टेल मी। ओके बेटा लेट मी स्टार्ट, दिस इज फर्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सिक्स पार्ट है। इसमें लिखा 43 प्लस माइनस 10 प्लस 7। ओके बेटा फिर क्या हुआ, हमने 43 में आपने लिया 7 को देखे बेटा बाहर कर दिया, इस 7 को हमने क्या लिया बाहर किया इससे इस ब्रेक से, तो इसमें क्या होगा बेटा ये 43 माइनस 10 आ गया, इधर लाख वाले जो ब्रेक के अंदर है तो इस साइड में स्टार्टिंग के दो नंबर ब्रेकेट में हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी वी हैव नो ऑलरेडी नो वेरी वेल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग इस ब्रेकेट में लिखे रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए तो ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या है। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास लेंगे है दो नंबर हमारी ब्रैकेट में, और फिर बेटा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये नंबर और ये नंबर हमारा ब्रैकेट में है, मतलब ये नंबर मतलब ये है बेटा कि ये की तो थी नहीं हमारे पास ये ब्रेकेट में आ गई, तो इसका मतलब थी यहाँ पर होगी है ना, ये यहाँ पर थी नहीं ये खाली जगह थी, तो इसका मतलब ये यहाँ पर होगी, फिर ये वाली और ये वाली आ गई तो ब्रेकेट में तो ये हमारी कौन हो जाएगी 26 ये तो हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये वाली नंबर यहाँ रखी होगी हमारे 57 बेटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये अंडर एडिशन थी बेटा, क्या थी अंडर एडिशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइजेशन। ओके बेटा अंडर मल्टीप्लाइजेशन ठीक है। आप देखते हो ना यहाँ पर हमारा टेन जो क्वेश्चन है इसमें देख रहे हैं 11, फिर हमारे पास ब्रेकेट इसमें कुछ खाली है देखें ब्लैंक, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 9 इन प्लस अगेन माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब एक ही नंबर है जो हमारी दो जगह जा रही है, पहले 9 के पास और फिर वही नंबर हमारे 1 के पास। तो बेटा आई हैव टोल्ड यू दैट वन मेंबर वन गेस्ट कम टू द ऑल होम बोलेंगे घर बोलेंगे, एक ही हमारा जो
गेस्ट आया हुआ है, वो सबके घर पे जा रहा है, तो वो घर कौन से है, ये है ये है, ऐसे बता नाइन प्लस वन है। अब इस घर में या इस घर में दो लोग हैं, तो ये इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ठीक बोला। या ये कहीं एक हमारा एक विलेज जर्मन, तो ये इसमें दो घर है, तो ये इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके बेटा अभी बोल रहे चलिए समझ गया हूँ, ओके बेटा। नाउ आवर क्वेश्चन इज टू सेइंग दैट इन सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव, क्या सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव होता है, नो बेटा बिल्कुल नहीं बेटा, ये होता है सबट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव होती नहीं है, हम लोग जानते हैं थ्री माइनस टू, टू माइनस थ्री क्या इक्वल है, टेन भी बेटा के दोनों क्लास सेम है, नो हाँ नहीं है ना, ये है वन सॉरी ये वन है बेटा एंड दिस माइनस वन, क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो जो हमारा सबट्रैक्शन है वो हमारे कॉम्यूटेटिव नहीं होते, यानी इंटीजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सबट्रैक्शन काम नहीं करती है, ठीक है बेटा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए सबट्रैक्शन हाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए हमारी काम नहीं करेगी, कब सबट्रैक्शन अंडर सबट्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो सबट्रैक्शन के लिए हमारी इंटीजर बिल्कुल कॉम्यूटेटिव नहीं होते, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो, और हम लोग एक एग्जाम्पल दे देंगे, याद रखा है गिवन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर है, बिल्कुल बेटा हम देंगे अपना जो क्या है एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन को ना बेटा मैं यहाँ सारे टिक किए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू आंसर नंबर टू, तो पहले तो मेरी केस में नो ऐसा है ही, फिर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा सबट्रैक्शन के लिए देना हमें, तो जैसे बेटा अभी हमने ये लिखा तो हम यही दे रहे हैं, ये हमारा आ रहा है माइनस वन, ये आ रहा है वन नहीं आ रहा, ठीक है बेटा ऐसे ये लिख देंगे हम लोग, हमारा एग्जाम्पल ठीक हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। ना बेटी सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू फाइंड करना है बेटा, हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात की थी, क्या होती है एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चलो यहाँ समझा सारी वीडियो देखने हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा, तो बच्चा देखे कि नहीं तो समझ नहीं पाएगा, ठीक है मुझसे मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ए इंटू बी प्लस सी है, तो ए भाई साहब ए जो है बी के पास जाएंगे और फिर ए भाई साहब सी के पास भी आएंगे, ठीक बेटा इट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें बेटा अगर ए दो जगह है तो हम ए को कॉमन ले लें तो फिर से यही चीज हो जाएगी, मतलब कभी ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा कर सकते हैं, मैं नीडेड जब भी हमको जरूरत होगी बेटा तो हम ऐसे से ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो यही कुछ काम यहाँ पर है, देखिएगा आप ध्यान से जी, हमारा 997 यहाँ पर 997 ठीक है, 997 इसके साथ भी है, 997 इसके साथ भी है, तो इस 997 को हम लोग क्या जैसे ए है ना इसके साथ भी तो ए को हम बाहर ले सकते हैं और बची हुई चीजें ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ए को बाहर ले लिया बजाय क्या डी एम सी, तो भी राइट गया डी एम सी, ओके बेटा सेम प्रोसेस वी विल डू हियर, ठीक है बेटा। हम लोग वही काम यहाँ कर रहे हैं कि हमारा 997 है यहाँ यहाँ है, सो भी टेक कॉमन 997 को हमने ले लिया और ये रिमेनिंग है ये बचा हुआ हमारे पास 8792 एंड माइनस इन दिस ब्रैकेट वाली रिमेन, हाँ बेटा क्या है रिमेनिंग क्या है यहाँ पर है 792, देखो बेटा आपने आप चीज को सही है भाई, ये चीज हमने ले लिया तो ये हमारा कॉमन एंड माइनस ये चीज हमने ले ली है कॉमन, ठीक तो क्या बेटा 792 हाँ, नेक्स्ट तो
देखते हैं बेटा इससे माइनस करेंगे भैया मेरे क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे। टू से टू गया तो जीरो, फिर नाइन से नाइन गया तो जीरो, ठीक है सेवन से सेवन गया तो जीरो, और ये ठीक है बेटा सही है। मल्टीप्लाई करते हैं एट की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और आगे क्या रख देंगे तीन जीरो रख देंगे, ठीक है बेटा तो आसान हो जाएगा नहीं बोलो सही है। क्या करना है एट से मल्टीप्लाई इक्वल थ्री जीरो भी राइट है, ठीक है हमने लिख दिया यहाँ पर थ्री जीरो ये बात है, ठीक है एट से मिल जाए जितना होता है 56 होता है बेटा, और एट माइन जाए 72 72 और कितना 5 72 5 कितना हुआ बेटा 72 और 5 77 और कैरी हो गया 7 और फिर 8 माइन जाए 72 72 और 7 कितना हुआ 72 7 जल्दी बता दो मुझे बेटा ये हो गया ना 79 72 और 79 ठीक है बेटा। तो हम आपको करते हैं इंडियन सिस्टम कैटेगरी 3 के बाद 2 के बाद 7 के बाद कितना डिजिट है 2 और ये इधर कितने सॉरी यहाँ मैं थोड़ा सा कॉमा डाल दूंगा 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद अब सही है। अब देखिएगा इसके बाद कितना डिजिट है हमारे पास 2J और 3J 7 नहीं 5 कितना होगा 5 तो कितना हो जाएगा 79 लाख और कितना 76,000 ओके। तो दिस इज आवर आंसर बोलो बेटो समझ पाया जल्दी बताओ मुझे यस या नो यस चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 30 का फर्स्ट ठीक है हम आगे चलते हैं और चलिए इसको मैंने किया है और सब क्वेश्चन काफी मैंने किए आपके फेवर नोटबुक पर ठीक है नो एक्सक्यूज ओके बेटा कोई बहाना नहीं चलेगा सारा सारा नोटबुक पे होना चाहिए तो आप कैसे भी करें बिल्कुल मुझे भी काम होना चाहिए है हाँ मैं बिल्कुल सॉल्व अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन थ्री इसमें बेटा देर आर फोर पार्ट ऑफ क्वेश्चन थ्री सो नाउ आई विल सॉल्व सेकेंड ऐसा कुछ है कुछ कामन है ऐसे हो जाएगा सेकेंड वाला ठीक है बेटा उसमें भी बिल्कुल फर्क कितना होगा फिर थर्ड में क्या है थर्ड में चलिए मैं थर्ड कर दे रहा हूँ ठीक है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें लिखा हुआ है 65 और 99 उसके बाद रहा है माइनस और अगेन माइनस 65/2 ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर था इसको हमको करना है देखिएगा ये चीज अच्छे से देखिएगा क्या है इसमें कर लेंगे ना अरे साहब क्या बात है क्यों नहीं होगा 65/99 बेटा ब्रेकिंग बोल दीजिएगा ये ब्रेकिंग खोलेंगे तो भैया ये माइनस माइनस की लड़ाई हो जाती है देन वी गिव्स देन वी गेट है बेटा क्या देन तो 65/99 ठीक यहाँ पे बंद कर दूँ बोलो बेटा कोई डिफरेंस आएगा अगर बंद कर दिया प्रॉपर्टी आप बंद ठीक बेटा कोई डिफरेंस नहीं आएगा ओके तो क्या फायदा हुई सर देखिए यहाँ से ये चीज दोबारा आ रही है ना आ रही है बोलो यस सो वी कैन कॉमन ए कॉमन 129 65/129 सो वी हैव हियर दिस एंड दिस देखो बेटा ये अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर भी बढ़ रही है ये यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इसको हमने करके एक एल वी हैव 99 n+1 ओके यस सही है बोलो सही है तो ये बेटा क्या हुआ 65/2 ये क्या हो गया 100 ओके नाउ मल्टीप्लाई वन इसके साथ करो वन के साथ अरे भैया तुम जानते हो कि वन के साथ करते हैं तो देन आवर नंबर इससे वही रहती है कोई डिफरेंस नहीं आता देन देर आर 20 सो वी पुट हियर 20 ओके दिस इज आवर आंसर देखिएगा सिंपल है ना बेटा चलिए समझिएगा इसको
चलो भाई मैं फोन और कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपके प्रॉब्लम ना हो जाए। सर बहुत छोड़ देंगे अपने आप में, सर सर नहीं छोड़ेंगे। 75 का ले कितना है, 8 - 8 - 39 + 107 ये है हमारे पास, क्या करें बता बताइए। अरे भाई डिटिव की प्रॉपर्टी लगा रहे थे, यहाँ पर बहुत लोग पड़े हैं, सबके साथ लंबी मिलाई करेंगे ऐसा क्यों करें, तो ऐसा करते हैं हम लोग और इनको कुछ सॉल्व करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। ओके चलिए कैसे करेंगे, -70 × देखते हैं बेटा, इससे अपने इसको माइनस कर दिया, इसको कितना बचा, और प्लस का टू इससे माइनस कर दे, कितना माइनस कर 37 इससे माइनस कर दे, कितना बचेगा बच्चों जल्दी बता दीजिए भाई। ये हो रहा हमारे पास प्लस का टू माइनस 39, एक बार में क्यों इतना क्यों होगा, ये क्या हो रहा है 2 और इससे निकला 37 इससे 37 माइनस कर दे बेटा, 37 इससे माइनस करेंगे तो ये है प्लस के कितना है ना, प्लस का मिल जाएगा आज 70 मिलेगा, बता दीजिए इसमें दे मिल जाएगा ना। तो अब देखते हैं बेटा क्या देखते हैं, लेकिन इसमें हमें प्रॉपर्टी को यूज करनी है और ऐसे में तो प्रॉपर्टी के लिए उपाय नहीं है, प्रॉपर्टी तो नहीं बन पाएगी, लेकिन चलिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है बेटा इसमें प्रॉपर्टी का नाम तुम्हें लिखना है, नहीं लिखना होगा ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे नो प्रॉब्लम। चलिए तो 77 कितना हुआ, 77 = 49 और ये माइनस एक है तो माइनस करेगा 0, ये यहाँ पर एक यहाँ हाउ मनी 0 आर देयर 20 क्योंकि बेटा तो दिस इज जवाब आंसर। ठीक बेटा समझ गए, चलिए समझ गए, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है नेम द एलटी मिनिमस ऑफ ओके, हमको एलटी मिनिमस फाइंड करना है ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है, इससे सुंदर इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इन द वर्ल्ड। ओके चलिए देखता हूँ, पहला क्वेश्चन है 15, तो 15 का एलटी मिनिमस क्या होगा, -15 ठीक है बेटा। अगला है -23 का एल्टी मिनिमस क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज करते हैं तो प्लस का 23, जीरो का एल्टी मिनिमस जीरो ही होगा ठीक है, जीरो का एल्टी मिनिमस जीरो ही होता है ठीक है बेटा, तो सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं हमारे ठीक है। अब मैं क्या करूँ उसमें लिख दूँ क्या, जैसे इसका सेकेंड वाला 23 है ना सही है, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स आप 23 कितना हो जाएगा, -23 बस माइनस लगाते हैं ठीक है बेटा। और ये थर्ड वन हमारा है एडिटिव इनवर्स आप 0 के लिए एडिटिव इनवर्स ने 0 ठीक है ना, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है ओके। तो इट इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, चलिए तो हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं और सारे क्वेश्चन आप काम करेंगे, यहाँ पर कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए ओके। चलिए ठीक है, ये सारे बिल्कुल फिर कॉपी पर ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट इसके आगे कल ओके बाय।